मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस अध्ययन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमने पिछले लेक्चर में जो पढ़ा था, मतलब उसको प्रैक्टिकली रूप से देखा था, मल्टीमीटर का क्या फंक्शंस होते हैं, उसके जितने भी सारे पॉइंट्स थे उसका हमने अच्छे से अध्ययन किया था। उसमें कंटिन्यूटी टेस्ट के बारे में थोड़ा सा उसमें एक्सप्लेन किया था, ओपन सर्किट कंडीशन और शॉर्ट सर्किट कंडीशन का। और इसमें क्या है कि हमने एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो बनाया प्रैक्टिकली रूप से, 4 करोड़ 16 का हमने केवल टेस्ट किया है, कंटिन्यूटी टेस्ट किया है शॉर्ट लेंथ के लिए, और बहुत ज़्यादा लॉन्ग लेंथ है उन दोनों के लिए मैंने उसमें प्रैक्टिकली टेस्ट किया है। थोड़ा सा उसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, बाकी मैं उस वीडियो को एक साथ मर्ज कर दूँगा तो आप उसको अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। देखिए, मानते हैं कि कंटिन्यूटी टेस्ट 4 केबल या एनी वायर के लिए, देखते हैं कि मान लेते हैं कि यहाँ पे आपका 4 कोर 16 स्क्वायर mm का केबल है, यहाँ से आपका 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर और 4 लीटर, ठीक है, इस तरीके से होंगे आपका, जिसमें कि रेड हो जाएगा, येलो, ब्लू, न्यूट्रल, इस तरीके से रहेगा। इसमें भी इस तरीके से वही रहेगा, 1 2 3 4, एन हो गया, आर हो गया, वाई हो गया, बी हो गया, ठीक। देखिए, ये जो ये मैंने केबल का प्रकार लिखा है, जो 4 कोर 16 स्क्वायर mm है, इस तरीके से केबल के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि 2 कोर 10 स्क्वायर mm, 4 कोर 16 स्क्वायर mm, 4 कोर 35 स्क्वायर mm, 4 कोर 50 स्क्वायर mm, 4 कोर 70 स्क्वायर mm, 4 कोर 95 स्क्वायर mm, 4 कोर 150 स्क्वायर mm, इस तरीके के केबल का प्रकार होते हैं। और ये जो जैसे ये दिखा रहा है कि 16 स्क्वायर mm है, एक्चुअली में होता क्या है, ये देखिए जो आपका ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है, इसमें प्रत्येक लीड्स का, ये प्रत्येक लीड्स से निकल रहा है, तो इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा प्रत्येक लीड्स का, ठीक है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, इससे हम डिसाइड करते हैं कि कितना स्क्वायर mm का है। ऐसे 16 का रहेगा तो इसमें 16 के हिसाब से रहेगा, और अगर हम बात करेंगे कि 70 का तो 70 के हिसाब से रहेगा, और अगर हम 95 की बात करेंगे तो 95 के हिसाब से रहेगा, और 150 की बात करेंगे तो 150 के हिसाब से रहेगा। इसमें हम देखते हैं कंटिन्यूटी टेस्ट क्या होता है। देखिए, कंटिन्यूटी टेस्ट हम सबसे पहले कैसे करेंगे, मान लीजिए कि आपका कोई मल्टीमीटर हो गया, ठीक है, मल्टीमीटर में आपको दो इस तरीके से दो आपके रहेंगे, दो जैसे कि आपका मल्टीमीटर हो गया, उसमें से वो जो प्रैक्टिकली वीडियो होगा उसमें आप ये देख लीजिएगा, जैसे ये दो पॉइंट से रहेंगे, तो एक को अगर एन के साथ जोड़ रहे हैं तो दूसरा को भी एन के साथ ही जोड़िएगा, तो उसमें एक बीपिंग का साउंड आएगा, बीप करके ऐसा आवाज़ करेगा, तो समझिएगा कि ये वाला जो एन वाला है, ये आपका एन वाला है, मतलब ये ठीक है, इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। उसी तरीके से जो एक पॉइंट आपका होगा वही इस तरफ हम लगाएंगे, और दूसरा पॉइंट हम इस तरफ लगाएंगे, अगर इसमें अगर बीपिंग का साउंड आ रहा है तो मतलब ये भी हमारा ठीक है। उसी तरीके से हम तीसरे भी करेंगे तो अगर इसमें भी बीपिंग का साउंड आ रहा है तो ठीक है, अगर इसमें करते हैं तो इसमें भी अगर बीपिंग का साउंड आ रहा है तो ठीक है, इस तरीके से हम ये कर सकते हैं, ये चारों ठीक है। अगर मान लीजिए कि ये तो शॉर्ट ये हो गया 4 शॉर्ट लेंथ के लिए, 4 शॉर्ट लेंथ। अब हम बात करेंगे कि ये तो शॉर्ट लेंथ के लिए आपका हो गया, अगर हम बात करेंगे कि यही 4 कोर 16 स्क्वायर mm का है लॉन्ग लेंथ के लिए बात करेंगे, लॉन्ग लेंथ का हम कैसे इसमें कंटिन्यूटी टेस्ट हम कैलकुलेट करते हैं, इसी तरीके से आपका ये दिया हुआ है 1 2 3 4, ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे कि आपका ये हो गया आर बाई
बी एन आर बाई बी एन। इस केबल का लेंथ बहुत ही ज़्यादा लंबा है तो इसका हम कंटिन्यूटी टेस्ट कैसे करेंगे। तो देखिए ये जो आपका था इस तरीके से, अगर इस तरीके से है तो ये आपका ये ओपन हो जाएगा, अगर आपका ये इस तरीके से है आपका ये शॉर्ट है, ठीक। ये चीज़ मैंने ऑलरेडी समझाया हुआ है पिछले वीडियो में, तो आप एक बार पिछले वीडियो में जाकर इस चीज़ का देख लीजिएगा तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये शॉर्ट के लिए ओपन अगर ओपन सर्किट है तो करंट का मान जीरो हो जाएगा तो रेसिस्टेंस इन्फिनिटी हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट है तो करंट इन्फिनिटी होगा तो रेसिस्टेंस जीरो हो जाएगा। इसमें देखिए अगर ये लॉन्ग लेंथ का, तो अगर हम आर वाई में ज्ञात करें तो हम आर वाई को क्या करेंगे कि इधर से शॉर्ट कर देंगे, शॉर्ट करेंगे, एक पॉइंट हम इसमें लगाएंगे, दूसरा पॉइंट हम इसमें लगाएंगे तो बीप का आवाज़ करेगा, मतलब कि ये दोनों हमारा, ये जो हमारा फेज हमारा ओके है। उसी तरीके से हम इसमें ऐसे टेस्ट करेंगे तो अगर इसमें बीप का आवाज़ कर रहा है तो ये ओके है, उसी तरीके से हम इसमें टेस्ट करेंगे अगर ये बीप का आवाज़ कर रहा है तो ओके, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ओके है, ठीक है। अब मान लीजिए कि कहीं पर यहाँ से ये फॉल्ट हो गया, तो जब हम इसमें से लगाएंगे तो बीप का आवाज़ नहीं करेगा, इसमें बीप का आवाज़ नहीं करेगा, लेकिन अगर हम इसमें लगा रहे हैं तो करेगा बीप का आवाज़, इसमें अगर हम लगा रहे हैं शॉर्ट करें तो करेगा बीप का आवाज़, लेकिन बी और एन में बीप का आवाज़ नहीं करेगा। तो लेकिन हमें ये पता नहीं रहेगा कि बी और एन में जो है कि जो बी है, बी तो क्योंकि इसमें दोनों का करेंगे तो हमें ये पता नहीं रहेगा ना कि इसमें है या इसमें है। तो इसका पता करने के लिए हम क्या करेंगे कि देखिए जैसे कि बाई बी का कर रहे हैं तो अगर ये बाई बी का ओके है, मतलब कि आपका बी का ओके था और बाई का भी ओके था, अगर हम बी एन का कर रहे हैं तो जब इसका और इसका कर रहे थे तो हमें पता लग गया था कि बी का ओके और बाई का ओके है, लेकिन जब हम बी और एन का करेंगे तो इसमें ओके नहीं दिखाएगा, इससे ये पता लगेगा कि हमारा बी का ओके है लेकिन एन का ओके नहीं है। इस तरीके से ये किसी में भी हो सकता है। तो ये था हमारा ये कंटिन्यूटी टेस्ट, ये थोड़ा सा है और ये मैं इसके साथ वीडियो मर्ज कर दूंगा, तो चलिए देखते हैं वो प्रैक्टिकल वीडियो। यहाँ पे हम कंटिन्यूटी टेस्ट के बारे में प्रैक्टिकली देखेंगे। यहाँ पे हमारा ये जो केबल है 4x16 का केबल है, इसका हम कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे। पहले हम ये शॉर्ट लेंथ के लिए हम देखेंगे यहाँ पे, पहले से हमारा ये सेट किया हुआ है ओम पे। इसके बारे में पिछले लेक्चर में अच्छे से बताया हुआ है, तो यहाँ पे हमने ये पहले से सेट कर रखा है ये कंटिन्यूटी टेस्ट के लिए। यहाँ पे हमारे जो फंक्शन है ये यहाँ पे आप देखिए ये आपका आ गया ओम पे, ठीक है। तो यहाँ पे टेस्ट शुरू करेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ से हम ये ग्रीन का कर रहे हैं, इधर से भी ग्रीन का देना है, ब्लू का कर रहे हैं, यहाँ से पहले इसमें देखेंगे तो यहाँ से आपका ये और इसका देखेंगे ये येलो है तो येलो का देखेंगे तो ये बीप कर रहा है, तो इसका भी लीड सही है, और अगर यहाँ पे रेड का देखेंगे तो ये रेड है, मतलब इसका भी ये कंटिन्यूटी ये सही है। लेकिन अगर ये तो हमारी शॉर्ट लेंथ की बात होगी, अगर हम लॉन्ग लेंथ की बात करें जैसे कि केवल दिखा दो था अब जैसे कि किसी मतलब कि जो बड़ा केबल है उसमें अगर कोई फॉल्ट आ जाता है तो उसका हम टेस्ट कैसे करेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे कि जैसे कि ये मान लीजिए कि ये मतलब कि पहले ये दोनों चेक करना है, तो ये दोनों को पहले दूसरी एंड पे हम शॉर्ट कर लेंगे, टाइट ग्रीन वाला है, ब्लू वाला है और ये रेड वाला है। यहाँ से देखेंगे कर लेंगे,
बीप करा मतलब ये सही है, देखिए बीप करा ये सही है। तो इस तरीके से हम दूसरी एंड पे हम शॉर्ट करके यहाँ से हम टेस्ट कर लेंगे। और फिर इसका देखते हैं, ये ब्लू और ये ब्लैक का देखते हैं। ये आपका ब्लैक का हो गया और आपका ये ब्लू का हो गया। देखिए यहाँ से ये इसका बीप कर रहा मतलब ये सही है। इसी तरीके से हम चारों का देख लेंगे, अगर बाई चांस किसी में फॉल्ट रहेगा तो वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा तो बीप नहीं करेगा, तो ये बीप नहीं करेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।